अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं मिस्टर माजिद अमीर से, जो आईसेप इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं एजुकेशन से रिलेटेड सीएसएस और पीएमएस वालों को। आज का हमारा माजिद साहब आपके साथ जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ना, वो है एग्ज़ाम्स कि सीएसएस में कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, कितने आवर्स का एक पेपर होता है। ये हमारा आज का आपके साथ सेशन है। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज बेसिकली ये जो इम्तिहान है टोटल 1500 मार्क्स का इम्तिहान, राइट? ठीक है। अब इसमें से सबसे पहला मरहला होता है रिटर्न, और फिर बाद में आ जाता है आपका इंटरव्यू आ जाता है। अब जो रिटर्न है, बेसिकली रिटर्न में क्या होता है कि आपके 600 मार्क्स के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 600 मार्क्स के क्या होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 1200 हो गए, एग्जैक्टली 1200 हो गए। और उसके बाद फिर 300 मार्क्स के आपके क्या आ जाते हैं, वो इंटरव्यू बाद की बारी है। जो रिटर्न क्वालिफाई करेगा उसे ही इंटरव्यू, और हम कोशिश कर रहे हैं कि रिटर्न के ऊपर ही एग्जैक्टली उसके ऊपर बात करते हैं। अब जहाँ तक बात है कि जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से आपके टोटल अगर 600 मार्क्स हैं तो 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है, तो उसमें से आपके 40 मार्क्स आने चाहिए। अच्छा, पासिंग जो है, पासिंग क्राइटेरिया 40 मार्क्स का, ठीक है। और लाइक अगर इंग्लिश ऐसे है तो 100 में से आपके 40 आने चाहिए, इंग्लिश प्रेसी के आपके 100 में से 40 आने चाहिए। ये भी आप कंपल्सरी सब्जेक्ट्स बता रहे हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट की बात। दो सब्जेक्ट्स हो गए। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर इस्लामिक स्टडीज़ है तो उसमें भी 100 में से आपके 40 आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आ जाता है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर उन्होंने 3 सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं, ठीक है। उस एक सब्जेक्ट के अंदर नहीं, उसकी जो मार्क्स की डिवीजन उन्होंने ऐसे की है कि उसमें क्या आ जाता है आपका, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर है। इन तीनों के 300 मार्क्स में से आपके 120 आने चाहिए। 120 अगर किसी एक में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो तीनों के डाल के 120 कंसीडर किया जाता है। ये देखिए, ये चीज़ें स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। वो कहते हैं जी मुझे करंट अफेयर नहीं आता, मैं उसमें से 40 नहीं ले सकता, तो मेरे लिए मसला मेरा क्या बनेगा। लेकिन ये चीज़ जो होती है, जब लोग इंस्टीट्यूट्स में आते हैं या विजिट करते हैं, ड्यूरिंग काउंसलिंग हम उनको बताते हैं, भाई ये वही चीज़ है जो मैट्रिक से लेके हमने ग्रेजुएशन तक देखा, 20/80 20 मार्क्स के आपके MCQs और 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव, 3 घंटे का आपका पेपर। सेम उसी तरह स्ट्रेटेजिकली जिस तरह हमने पेपर दिए होते हैं वही चीज़ें आ जाती हैं। 3 आवर्स हमारा एक पेपर का है, 3 आवर्स। और एक दिन में एक पेपर होता है? नहीं, जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके एक दिन में 2 होते हैं, 3 दिन के अंदर आपके कंपल्सरी हो जाते हैं। और बाकी जो आपके ऑप्शनल्स भी 200 मार्क्स के होते हैं, एक सुबह होता है और एक शाम को होता है, और बाकी जो इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं फिर उनको डिफरेंट डेज के ऊपर ही करते हैं। ऑप्शनल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जरा वो बताते हैं? हाँ, इसमें ग्रुपिंग है टोटल, यानी कि इसके अंदर 7 ग्रुप हैं सीएसएस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें आपके 200 मार्क्स वाले होते हैं सारे सब्जेक्ट्स, और जो ग्रुप बी है उसमें 2 सब्जेक्ट्स आपके 200 मार्क्स वाले हैं और बाकी आपके 100 वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला आता है कैंडिडेट्स के लिए, मैं कौन से सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करूँ, कौन किस ग्रुप को, एग्जैक्टली ताकि वो मैक्सिमम स्कोर लेके अपनी एलोकेशन को सिक्योर कर सके। अब यहाँ पे कैंडिडेट्स जब हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए आते हैं ना, तो हम जब फाउंडेशन फेज में उनको पढ़ाते हैं अपने सीएसएस के 1 ईयर प्लान के अंदर, जो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसमें हमें बच्चे का आइडिया हो जाता है इसका इंटरेस्ट फिलासफी की तरफ है, ठीक है, इसका इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ है, ये अगर इसका बैकग्राउंड अकाउंटिंग से रिलेवेंट है तो हम उसे कहते हैं तो उसमें जाओ, राइट। अब तो एक इम्तिहान से पहले एक और इम्तिहान आ गया है, ये मैं आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी शेयर करना चाह रहा था, इट्स अ बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट। अच्छा, स्क्रीनिंग। अब उन्होंने क्या किया, जैसे इस साल में मतवक्को है कि जो है आपका अक्टूबर 2, इसमें जिन्होंने 2023 में इम्तिहान देना है उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। वो क्यों उन्होंने रखा, ये बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ और आपके ज़रिए से पूरे पाकिस्तान के लोगों को, कि स्क्रीनिंग टेस्ट रखने का मकसद यही है कि एग्जामिनर जब एग्जामिनर रिपोर्ट को डिस्कस कर रहा होता है तो वो कहता है कि प्रेसी 450 अल्फाज की करनी होती है, 150 अल्फाज की, तो स्टूडेंट्स कराते हैं 600 अल्फाज की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो स्क्रीन आउट करना चाहते हैं वो स्टाफ जो मेहनत कर रहा है वही आगे जाए। जो इस तरह जी सुबह उठ के मैं भी सीएसएस का इम्तिहान देता हूँ, क्या है मैं भी देख लेता हूँ, मेरा दोस्त दे रहा है तो मैं भी दे रहा हूँ, यस, वो उनको पहले फिल्टर आउट करना चाह रहे हैं, फिल्टर आउट करना, उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हाँ, अब स्क्रीनिंग कर रहे हैं, अब आगे वही। अच्छा, जाएंगे ये जो आप स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये इसमें जो बच्चा पास होगा वो एलिजिबल होगा सीएसएस के रिटर्न एग्जाम के लिए, रिटर्न एग्जाम के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा, स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया हमारा, उसके बाद अब आ गया हमारा रिटर्न, रिटर्न हो गया। और रिटर्न के बारे में बताया, ये रिटर्न जो है ये किस मंथ में होता है? रिटर्न जो है फेब में, फेब और मार्च में मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, इसके जो सेंटर्स हैं वो
मतलब बड़े जितने भी शहर हैं लाइक कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, क्वेटा हो गया, यहाँ मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में exactly वहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये बताएं कि जी एग्जाम्स के हवाले से आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया, इसमें 40% आपने पासिंग क्राइटेरिया हमें बता दिया टोटल, यानी कि थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड कर दूँ, टोटल 1200 रिटर्न है ना, तो आपका एग्रीगेट बनेगा अगर आपके 600 से ऊपर आते हैं, 600 यानी कि आपका एग्रीगेट है, आप सारे सब्जेक्ट्स में से पास हो जाते हैं, लेकिन आपके 600 से नीचे आते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती, कॉल नहीं आती। हाँ तो सर, ये कॉल फोन वाली आती है, ये रिटर्न नोटिस, रिटर्न नोटिस आता है जरा, अच्छा इसका नाम इंटरव्यू, और बड़ी खुशी होती है जी जब स्टूडेंट्स का रिटर्न पास हो जाता है, माशाल्लाह एक CSS का इम्तिहान, आपने क्रॉस ऑफ पाकिस्तान सर्व करना है, आप पाकिस्तान की तकदीर यानी कि और पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे चीज़ों को सेट करने वाले होते हैं जो आप सोच रहे होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के फेवरेट चाइल्ड बन जाते हैं, एग्जैक्टली आप कह सकते हैं, एग्जैक्टली। अच्छा ये हमें बताइएगा कि इसमें जो नॉर्मली जो स्टूडेंट्स पास नहीं होते उसके पीछे क्या रीजन है, उनको क्या एडवाइस करेंगे, और जो पास हो जाते हैं उनकी क्या ऐसी स्मार्ट वर्किंग होती है, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स होती है, क्योंकि हमारा आज अभी टॉपिक हमारा एग्जाम्स है, तो उस हवाले से जरा थोड़ा गाइड कीजिए। इसमें बिल्कुल हुसैन साहब आपका बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है कि स्टूडेंट जो पास हो रहा है किन बेसिस के ऊपर हो रहा है। अच्छा, जो स्टूडेंट पास हो रहा है ना, एक तो वो इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी है, अगर जब वो इंग्लिश लिखता है तो वो एस और ई एस की मिस्टेक से निकल जाता है, यानी कि वो उसकी ग्रामर की मिस्टेक्स बहुत कम होती हैं, और दूसरा वो क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहा होता है, उसके पीछे बुक रीडिंग होती है, न्यूज़पेपर रीडिंग होती है, वो चीज़ों का तज़िया दे रहा होता है। यकीन माने अब पिछले फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स पाकिस्तान क्या ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है CSS, इसके डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, वहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यही आता है, वट डू यू थिंक अबाउट दिस, वो देखना चाहता है कि एक पेपर में से एक कैंडिडेट की ब्यूरोक्रेसी कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अब जो बच्चा ये समझता है कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है और मेरे पास क्रिटिकल एनालिसिस भी नहीं है और मैं क्रैम करके चला जाऊंगा, CSS उसके लिए बहुत, मतलब वो जो एक कल्चर था माइंड में रट्टा सिस्टम, उससे ये अब निकल चुका, बिल्कुल। चलिए जी माई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और फॉर योर गाइडेंस, आपने जो CSS के हवाले से बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगेगा, थैंक यू वेरी मच, आपका भी सर शुक्रिया, आपने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया, थैंक यू सो मच, आप लोग भी यहाँ पे आए और आपने हमें ज्वाइन किया है, अल्लाह हाफिज़ जी।